हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ओके कंप्यूटर, जो कि रिलीज हुआ है डिज्नी प्लस पे। इसमें आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड 40 मिनट्स के है। शो की कहानी सेट है 2031 में, यानी कि ऐसे फ्यूचरिस्ट इंडिया में जहां पर टेक्नोलॉजीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, पर आपको फ्लाइंग कार्स देखने को मिलेगी और हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही नजर आएंगे। छोटे से लेकर बड़े काम तक लोग रोबोट्स से ही करवा रहे, और देखा जाए तो लोगों को रोबोट्स पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा भी है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार, या तो आप लोग कह सकते हैं एक रोबोटिक कार के थ्रू एक आदमी की डेथ हो जाती है। अब ये एक्सीडेंट है या मर्डर है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। शो के अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँगा तो इंडियन हिस्ट्री में ये पहली इंडियन साइफाई सीरीज जो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पे देखने को मिलेगी जो आज से पहले हमने इंडियन प्लेटफॉर्म में नहीं देखा है, और इस हिसाब से आपको तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि यार ये फर्स्ट टाइम बना है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से शो की कहानी को लिखा है, चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये शो में आप एक सेकंड के लिए भी बोर होते नहीं, और हर एक एपिसोड में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले वो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर करता है। तो मैं अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यार यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स तो देखने को नहीं मिले, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको इस शो में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया है। और स्पेशली जो रोबोट का कैरेक्टर है अजीब, वो कैरेक्टर से तो आप लोग इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे कि एंड तक उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत इमोशंस भी फील होंगे। उसके अलावा शो में अगर डायलॉग्स की बात करेंगे तो काफ़ी हिलेरियस डायलॉग है, काफ़ी सिचुएशनल कॉमेडी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन कुछ जगह पर डायलॉग कम सटायर मुझे ज़्यादा लग रहा था। और एक डायलॉग जो मुझे अभी भी याद है इस पर्टिकुलर शो का, कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी एनिमी है फेक न्यूज़, और ये आजकल की रियलिटी भी है कि फेक न्यूज़ के चलते बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग सोशल मीडिया पे नोटिस कर पाते होंगे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग इस शो में देखोगे तो नोटिस करोगे खुद ब खुद कि हाँ यार, मेकर ने बहुत ही सोच समझ के इस शो को लिखा है, और उसके जो डायलॉग्स है स्पेशली उन डायलॉग्स के ज़रिए वो काफ़ी कुछ हमें बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सिनेमेटोग्राफी ऑसम है, कुछ कुछ जगह पे VFX देखने को मिलेंगे, लेकिन वो VFX भी इतने नीटली किया है कि यार यहाँ पर इस बार तो तारीफ करनी पड़ेगी हमारे इंडियन फिल्म मेकर की, कि यार कुछ यूनिक करके दिखाया है। शो का BGM भी एकदम परफेक्ट है, अलग अलग BGM सुनने को मिलता है, जो कि इस तरीके के शोज़ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो विजय वर्मा हो या राधिका आप्टे हो या जैकी श्रॉफ हो, हालांकि जैकी श्रॉफ का यहाँ पर कैमियो ही है, सिर्फ वो हमें थर्ड एपिसोड में कंप्लीट नज़र आते और सेकंड एपिसोड के एंड में नज़र आते, उसके बाद वो सिर्फ लास्ट में नज़र आते। लेकिन इतना है कि जैकी श्रॉफ का Season 2 में अच्छा खासा मेजर रोल होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार विजय वर्मा वन ऑफ दी फाइनेस्ट टैलेंट्स ऑफ इंडियन सिनेमा, उन्होंने इस पर्टिकुलर सीरीज़ में भी बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, चाहे वो उनकी कॉमेडी हो, चाहे वो उनके एक सीरियस अवतार हो, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में वो आपको इस शो में बहुत अच्छे लगेंगे। और राधिका आप्टे ने भी अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। उसके अलावा एक और लेडी, यार उनका मुझे नाम याद नहीं है, वो यहाँ पर मोनालिसा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उनका परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ यहाँ पर हम इस शो में कुछ कैमियोज़ भी देखने को मिलेंगे, एक तो यूट्यूबर है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, मैं यहाँ पर नाम नहीं बताऊँगा, बस आप लोग समझ जाओ जब शो देखो तो आपको नज़र आएंगे, उनका भी कैमियो। लेकिन एक और कैरेक्टर है जो हमें मिर्ज़ापुर में नज़र आई थी, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, तो उनका भी यहाँ पर हमें कैमियो नज़र आता है, तो उनका भी रोल उन्होंने अच्छी तरह से निभाया। उसके बाद शो की एडिटिंग भी परफेक्ट की गई है, यानी कि कहीं से भी ऐसा लगता नहीं कि शो को ड्रैग किया है। 6 एपिसोड है 40 मिनट के, मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर मैं तारीफ करूँगा पूरी टीम की, कि बहुत ही अच्छा यूनिक शो इंडियन ऑडियंस के सामने लेके आया, और आई होप कि ये शो सबको पसंद आए, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरी जो सोच है वो सबसे मैच हो। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यार वो जो डेड बॉडी है वो थोड़ा सा देख के अजीब लगता है, उसके अलावा ऐसी कोई भी एडल्ट सीन है नहीं जो आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते, यानी कि ये एक फैमिली रिलेटेड शो है, अगर आप लोग चाहो तो ये फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। मैं शो को रेटिंग दूंगा 9 out of 10, मेरे हिसाब से एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी स्टार्ट है, और एक इंटरेस्टिंग शो लगा मुझे। बाकी आपकी मर्जी, देखना तो देखो वरना नहीं देखना तो मत देखो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।